जय श्री राम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही छोटा सा उपाय है। ये उपाय बिल्कुल सटीक है। मैं इसे बहुत ही आराम से आपको इसलिए भी समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसका 1000% रिजल्ट आपको मिले और आपको किसी भी शास्त्री या पंडित के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, आज के समय में अगर आप किसी भी पंडित को अपना पत्रा दिखाने जाते हैं तो वो पैसा आपसे कितना लेता है? 100, 500, 1000 रुपए तो वो ऐसे ही आपसे ले लेता है। लेकिन आपको उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो आपको उपाय बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्वयं गुरुजी के द्वारा बताए गए अपने एक भक्त को पर्चा बनाकर उन्होंने जो उपाय बताया है उसे ही जन साधारण भाषा में और बिल्कुल पैसे खर्च किए बिना आपको बता रही हूँ। यानी कि इस उपाय में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और ये वीडियो भी बिल्कुल मुफ्त में आपको दिखने को मिल रही है। बस आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेना है। हमारे चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सनातन धर्म को आगे ले जाना और सनातन धर्म के जो भी उपाय हैं उन सभी का सटीक रिजल्ट आप सभी तक पहुंचाना। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। जिनके पास खुद का मकान नहीं है और जिनके पास मकान है लेकिन किराए का और अपनी प्रॉपर्टी वो बनाना चाहते हैं लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका काम रुक जाता है, प्रॉपर्टी ले नहीं पाते, अपना घर हो ही नहीं पाता, पूरा जीवन किराए के घरों में मकानों में धक्के खाते गुजर जाता है। आप सभी को पता है कि किराए के घर में एक कील तक लगाने से पहले हमें किसी दूसरे की मर्जी जाननी पड़ती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर अपना खुद का मकान होता है तो वहां हम आजादी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका खुद का मकान हो, अपनी कोई प्रॉपर्टी हो, कहने के लिए अपनी खुद की छत हो? तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कुबेर का धन की प्राप्ति आपको इस उपाय से हो सकती है। इस उपाय को करके आप जरूर देखिए, रिजल्ट आपको 110% मिलेगा। इस उपाय को आप चाहे मजाक सोचते हो तो सोच लीजिए, आप इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए। लेकिन अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि ये उपाय एकदम सटीक रूप से करना जरूरी है। इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ही आसानी से दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको सच मानेंगे और इस उपाय को कर लेंगे तो आपको फल 10% नहीं 110% मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि ये दीदी तो ऐसे ही कुछ भी फालतू में बता रही है तो फिर व्यूज़ के लिए बता रही है, तो आपको मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। इसमें आपका खुद का नुकसान होगा, मेरा नहीं। जिन लोगों ने गुरुजी की कथा के बीच में इस उपाय को सुना था वे आज अपने खुद के मकान में बैठे हुए हैं। जिन्होंने इस उपाय को किया है वे सभी अपने अपने मकानों में बैठे हैं। एक बार आप जरूर करके देखिए। एक व्यक्ति ने तो गुरुजी की कथा के बीच में आकर इसका रिजल्ट हजारों लाखों लोगों को खुद अपने मुंह से बताया है। अभी 2 महीने पहले की ही ये बात है, उसने अपने पड़ोस वाला जो प्लॉट था उसे ही खरीद लिया। गुरुजी की कथा में आकर उसने स्वयं इस चमत्कारी फल के बारे में बताया है। पिछले 3 साल से वो प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा था। घर का वो बड़ा बेटा था, 3 बेटे थे तो वो सबसे बड़ा था, तो कमाई तो होती थी लेकिन पैसा टिकता नहीं था, परिवार में खर्च हो जाता था। हमेशा कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी और सारा पैसा उसका खर्च हो जाता था और सारी कमाई भी चली जाती थी। तो गुरुजी की कथा में उसने बताया कि कैसे गुरुजी के द्वारा बताए गए इस उपाय को करने के बाद उसको ये परिणाम मिला और ये चमत्कारी परिणाम आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप खुद करके देखिएगा। इसमें आपका कोई सामान खर्च नहीं होगा, पहले ही बता देती हूँ, सामान की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आप सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिख दीजिएगा। देखिए, इस उपाय के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, उपाय बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि इसमें सामान क्या है। तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि पहले से ही आपके घर में मौजूद हो तो आप मत खरीदिएगा, और अगर नहीं है तो आपको इसे खरीद कर अपने घर ले आना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास में कीड़ी नगरा कहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारी हजारों लाखों चीटियाँ जहाँ पर निकलती है उसे ही
कीड़ी नगरा कहा जाता है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। तो आपको सबसे नज़दीक का जो पीपल देव का आसपास में जो भी पेड़ नज़र आए वहीं पर आपको इस उपाय को करना है, और वहाँ पर जाकर आपको सतनजा, दोस्तों सतनजा, हमारी तरफ इसे सतनजा कहा जाता है, आपके यहाँ पर क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सतनजा 7 प्रकार के अनाजों को कहा जाता है। ये आराम से आपको मार्केट में जाएंगे आप तो आसानी से किराने की दुकान पर पूरा एक पैकेट आपको बना बनाया मिल जाएगा, और नहीं तो अगर आपके घर में ही 7 अलग अलग प्रकार के अनाज हों तो उन्हें मिला करके आप सतनजा बना लीजिएगा, बस यही आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको सतनजा खरीद कर जरूर लेकर आ जाना है। आप मेरे इस वीडियो को किस गांव, शहर या राज्य से देख रहे हैं और सतनजा को आपके यहाँ पर क्या कहा जाता है, 7 प्रकार के अनाजों को सतनजा कहा जाता है, तो आपको बस यही लेना है और खरीद कर अपने घर ले आना है। और रोज सुबह उठकर नए साल में आप ये जब भी इस वीडियो को देखें, चाहे नए साल में देख रहे हो या साल के बीच में जब भी आप देख रहे हैं, इस उपाय को कर लीजिएगा अगर आपको सच में अपना खुद का घर, मकान चाहिए, अपने घर सर के ऊपर छत चाहिए, अपने परिवार को अगर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो खुद के घर के लिए इस उपाय को करना है। क्या करना है आपको, रोज सुबह उठ करके उठते ही कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है, चाय भी नहीं पीनी है, सबसे पहले आपको उठ करके यही काम करना है। तो सो कर उठते ही आपको सिर्फ सीधे चले जाना है पीपल के पेड़ के पास, जहां पर भी कीड़ी नगरा निकला हो वहां पर आपको चले जाना है। ये आपको पहला उपाय बता रही हूँ, दूसरा उपाय भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस पहले उपाय में कुछ नहीं करना है, कीड़ी नगरा के पास में जा करके इस सतनजा को थोड़ा थोड़ा जो है डाल देना है। सतनजा जो है उसको पीपल के वृक्ष के आसपास आप जो है जरूर थोड़ा थोड़ा करके जरूर डालिएगा। वहां पर पेड़ के आसपास में एक दो दहलीज जैसी बनी रहती है, डोली बनी रहती है, वहीं पर जाकर आपको सतनजा को डाल देना है। ये उपाय आपको जरूर कर लेना है, बहुत ही इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं दोस्तों। एक और चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि तुरंत, जी हाँ दोस्तों, तुरंत ही आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। ये उपाय जो है, इसमें आपको क्या चाहिए, नारियल आपको लेना होगा, नारियल का गोट, आप समझ रहे हैं, नारियल के अंदर जो निकलता है उसे नारियल का गोट कहा जाता है, ठीक है। नारियल का गोट लें और उसके अंदर आपको जो दो गोट होते हैं उनके बीच में आपको सतनजा को डाल देना है, और 1 रुपए का सिक्का भी उसी के अंदर आपको डाल देना है। जहां पर कीड़ी नगरा निकलता है वहां पर सुबह के समय कीड़ी नगरा निकले उसी जगह से आधा फुट की दूरी पर, मतलब कि आधा फुट थोड़े से दूरी पर, कीड़ी नगरा से दूरी पर जाकर आधा फुट की दूरी में आपको इसे मिट्टी को खोद कर उसके अंदर इस नारियल के गोट को, जिसमें कि सतनजा और 1 रुपए का सिक्का है, उसे आपको मिट्टी के अंदर डाल देना है। जैसे ही कीड़ी नगरा जो है निकलेगा वो क्या करेगा कि उसे खाने के लिए उस आधे फुट की दूरी को तय करके सतनजा को खाने के लिए वहां पर आएगा, और जैसे जैसे वो सतनजा खत्म होगा आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये उपाय बिल्कुल फ्री में आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे परिणाम है। मैं स्वयं कथा के बीच में भी मैंने इस उपाय को सुना है, और आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि एक बार इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। मैंने पहले भी अपने चैनल पर इस उपाय को बताया है, लेकिन उसमें मुझसे गलती ये हो गई कि सतनजा किसे कहा जाता है ये मैं नहीं बता पाई थी। 7 प्रकार के अनाजों को कहा जाता है, तो आप इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लीजिए दोस्तों। यकीन मानिए, आप अगले साल यानी कि साल 2024 में अगर आपने इस उपाय को कर लिया, साल 2025 में आपने जो प्लॉट खरीदा है, यानी 24 में तो आप प्लॉट खरीद ही लेंगे, 25 तक आपका खुद का मकान भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये उपाय, एक चीज बताऊं, कब तक करना है, तो जितनी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 41 हफ्ते तक आपको जरूर इस उपाय को करना ही करना है। वैसे तो 4-5 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट आंखों के सामने दिखने लगेगा, घर में बरकत आएगी तो प्रॉपर्टी तो अपने आप खींची चली आएगी, बनेगी ही बनेगी प्रॉपर्टी। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है आपके मन में, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर
जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म।